हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद का इस पृथ्वी पे कैसे अवतरण हुआ, एक एक्टिविटी के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा आपको जानकर आयुर्वेद के बारे में। हमारा भारत का ये सबसे प्राचीन तरीका है लोगों का इलाज करने के लिए, आयुर्वेद ही सबसे पुराना है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी शुरुआत हम लोग मंत्राचरण से करते हैं। इस संसार के समस्त ज्ञान का मूल ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ है, वैसे ही आयुर्वेद का मूल भी ब्रह्मा जी से जुड़ा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने शाश्वत अनादि त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्मरण किया, अर्थात ब्रह्मा जी ने कभी न मिटने वाले अनादि एवं तीन सूत्र वाले आयुर्वेद का ध्यान किया। सृष्टि में पहले से ही विद्यमान आयुर्वेद के ज्ञान को एकत्रित कर उसे प्राणी जगत की पीड़ा के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की साधना के लिए ब्रह्म संहिता में निवृत्त किया। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने इन्हें भी अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। प्रजापति ने आयुर्वेद के इस ज्ञान को अपने शिष्य अश्विनी कुमारों को दिया। उत्तर कुरुक्षेत्र में अश्वरूपी सूर्य और अश्वरूपी धारी सन्यासी अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। ये दोनों भगवान सूर्य के पुत्र थे जो देव वैद्य चिकित्सक थे। अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र को दिया। इंद्र देवताओं के राजा थे, इसलिए इन्हें देवेंद्र भी कहते थे। ये स्वर्ग पर शासन करते थे, यही वर्षा और बादलों में पैदा होने वाली विद्युत के भी देवता। यहाँ तक आयुर्वेद का जो भी विकास हुआ वह देवताओं के बल पर हुआ। जैसे जैसे सतयुग बीतने लगा, प्राणियों में आलस्य घर करने लगा, लोगों में उत्साह और क्रियाशीलता की कमी होने लगी, जिस कारण राग द्वेष, काम, क्रोध, अविभाव की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी और पृथ्वी की जल, वायु, औषधि, खाद्य पदार्थ सभी उनके गुणों में कमी आने लगी। इसके फलस्वरूप हमारे शरीर में धातुओं की, शारीरिक क्रियाओं की
कमी होने लगी। इन्हीं सब कारणों से रोगों की उत्पत्ति हुई। मनुष्य रोगों से ग्रसित होने लगा। मनुष्य की दिनचर्या में गड़बड़ी होने लगी। वह अशांत और परेशान रहने लगा। तब मनुष्य की अध्ययन, तप, कला, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में रोगों ने व्यवधान डाल दिया। लोगों के इन सभी कष्टों को देखते हुए उस समय के समाज के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहने वाले ऋषियों ने हृदय में करुणा एवं पीड़ा उत्पन्न की। उन्होंने शीघ्र ही इस समस्या का हल निकालने का निश्चय किया। ऋषियों ने इसका हल निकालने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उस संगोष्ठी में देश देशांतर से सभी महर्षि उपस्थित थे। तदंतर पुनर्वजु आग्रे में अग्निवेश, भेद, जतुर्कण, पराशर, हारे, शारपाणि नामक छह शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया। इन छह शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे। अग्निवेश ने सर्वप्रथम संहिता का निर्माण किया, अग्निवेश तंत्र। जिसका प्रति संस्कार बाद में चरक ने किया और उसका नाम चरक संहिता पड़ा, जो आयुर्वेद का आधार स्तंभ है।
धन्यवाद।